नमस्कार। कक्षा 7 विषय हिंदी में आज से हम इकाई 4 देश के नाम संदेश इसका अभ्यास करेंगे। देश के नाम संदेश यह एक पत्र है। यह पत्र के माध्यम से हमें कुछ समझाया गया है, कुछ सीख दी गई है। यहाँ पर जो पत्र है वो पत्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के नाम दिया है, देश के नागरिकों को कुछ सीख दी है। इसके बारे में हम पाठ में जानकारी लेंगे। तो देश के नाम संदेश, पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। એટલે પત્રના માધ્યમથી આપણે આપણા જે દૂર સંબંધી હોય, પરિવારના લોકો હોય, મિત્ર હોય, એને આપણે આપણી વાત પહોંચાડી શકીએ છીએ। પરંતુ આજના જમાનામાં તો કેવો મોબાઈલનો યુગ આવી ગયો છે, એટલે હવે પત્ર લેખન ઓછા થઈ ચૂક્યા છે, પણ પત્રનું પણ એક વિશેષ મહત્વ છે। सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आवेदन એટલે કે અરજી પોતાની। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर અબુલ પકીર જૈનાલુદ્દીન અબ્દુલ કલામ, જેમને આપણે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામના નામે ઓળખીએ છીએ, ને નવી દિલ્હી સે 19 મે 2005 કે દિન ક્યા આપકે પાસ દેશ કે લીએ 10 મિનિટ હૈ, દેશ કે નામ સે દેશ કે નાગરિકો કો ઈમેલ કિયા ગયા થા, इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी दी गई है। तो यहाँ पर जो इकाई है, इस इकाई में हमारे देश के प्रति एक संदेश डॉक्टर कलाम ने हमें दिया है। हमारे देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। यहाँ अपना देश ना लोगों से था कहीं भी तकलीफ पड़े तो सरकार ने दोष आपे कि आ सरकार आवी छे, कई काम न करती, आम छे तेम छे। पण आपणे पोते आपणा देश माटे शू करीए छे एनी वात छे। वे यह नहीं सोचते कि एक सार्वभौम स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य है, उनके आपणा पोताना पण कई कर्तव्य छे। इस पाठ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया है। तो आइए अब हम यहाँ पर जो पत्र उन्होंने लिखा है उसकी जानकारी लेते हैं। मातृ छाया ऊंची शहरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, मतलब हूँ यहाँ कुशल छू। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे, अने आशा छे कि त्यां बधा सकुशल हसे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना यानी कि भेजना, मोकलूँ, बराबर। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं,
आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, એટલે આપ એટલે કે દેશના લોકો શું કહે છે કે આપની સરકાર નકામી છે. આપ કહેતે હે હમારે કાનૂન પુરાને પડ ગયે હે, એટલે આપણા જે કાયદા છે જૂના થઈ ગયા છે. આપ કહેતે હે નગરપાલિકા કચરા નહીં ઉઠાતી. આપ કહેતે હે ફોન કામ નહીં કરતા, રેલવે મજાક બન ગઈ હે, એરલાઇન દુનિયા મેં હમારી હી સબસે ખરાબ હે, ચિઠ્ઠી અપની મંઝિલ તક નહીં પહોંચતી. आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं. आपने इस बारे में क्या किया? એટલે કે તમે બધું કહેતા જ રહો છો, બધી ફરિયાદ કરો છો, પણ તમે પોતે એના માટે શું કર્યું એ અહીંયા કહેવા માગે છે. ફિર રાષ્ટ્રપતિને કહા, માન લીજિએ એક વ્યક્તિ સિંગાપુર જા રહા હૈ, ઉસે અપના નામ દીજિએ, ઉસે અપની શક્લ ભી દે દીજિએ. आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं. सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं. आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस्क महसूस होता है. भूमिगत, भूमिगत यानी कि भूमिगत का अर्थ क्या होता है? अज्ञात. और रस्क, रस्क महसूस होता है એટલે કે ઈર્ષા થાય. આપણે ગુજરાતીમાં એને ઈર્ષા કહીએ છીએ. આપ શામ 5 થી 8 બજે કે બીચ આર્ચર રોડ પર કાર ચલાને કા ટોલ ટેક્સ તકરીબન 60 રૂપિયે ભુગતાન કરતે હૈ. અગર પાર્કિંગ મેં આપને નિર્ધારિત સમય સે જ્યાદા ગાડી ખડી કી તો ટિકટ પંચ કરાતે હૈ. लेकिन आप सिंगापुर में कहते हैं कुछ नहीं. कहते हैं क्या? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते. जेहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते. वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत मतलब कि हिम्मत नहीं करते और पलट कर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, मैं और फला मेरा बाप है. એટલે કે મેં કોણ છું ઓળખે છે, મેં આ છું, આ મારો બાપ છે, એવી એવી એમની સાથે ચર્ચા કરતા નથી. ઓસ્ટ્રેલિયા ઓર ન્યૂઝીલેન્ડ કે સમુદ્ર તટો પર આપ ખાલી નારિયેલ હવા મેં નહીં ઉછાલતે. ટોક્યો મેં આપ સડકો પર પાન કી પિક એટલે કે પિચકારી ક્યો નહીં થૂકતે. બોસ્ટન મેં આપ જાલી યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર ક્યો નહીં ખરીદતે. ડોક્ટર કલામ બીચ મેં યાદ દિલાતે હૈ, મેં આપ હી કે બારે મેં બાત કર રહા હું, સિર્ફ આપ કે. ડોક્ટર કલામ કહેતે હૈ, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं. भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पोछे उछालते हैं. यदि आप पराया देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहां भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? तो यह संदेश हमें डॉक्टर कलाम देते हैं. दूसरे जो देश है उनके उदाहरण से हमें यह बात समझाते हैं. आज हम यहाँ तक चर्चा करते हैं. आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.